दोस्तों आज की इस वीडियो में बताएंगे, अगर आप बिहार से हैं और बिहार की किसी भी डिपार्टमेंट का एग्जाम देने वाले हैं या दे चुके हैं, तो आपके लिए कुछ जानकारी हम बताने वाले हैं कि बिहार में चाहे बीपीएससी हो, बीएसएससी हो, बिहार पुलिस की हो या किसी भी डिपार्टमेंट की वैकेंसी के लिए आप अप्लाई किए थे और एग्जाम दिए हैं, अगर आप दिव्यांग हैं, डिसेबिलिटी हैं, दिव्यांगजन हैं, तो आपको जो बिहार सरकार द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा, दिव्यांग सशक्तिकरण के द्वारा जो भी अधिकार दिए गए, उस अधिकार के बारे में हम आपको बताएंगे। उस अधिकार को आप अपने एग्जाम में यूज कर सकते हैं, जिसके हिसाब से अपना मनपसंद सीट अलॉटमेंट करवा सकते हैं, अपने साथ शत्रु लेखक यानी कि लेखक, मनपसंद लेखक ले जा सकते हैं। जो भी लेखक डिपार्टमेंट अगर देता है, विभाग अगर देता है, तो उससे दो दिन पहले आप मिल सकते हैं, आप एक्स्ट्रा समय ले सकते हैं और सारी चीज आपको इस वीडियो में, यानी इस तरह की अनेक सुविधा, अनेक जो आपका जो हक है वो आप पा सकते अपने एग्जाम हॉल में, जो गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया जाता है, जिसके बारे में बहुत सारे दिव्यांग व्यक्तियों को पता नहीं होता है, जिसकी वजह से वो इसका लाभ एग्जाम हॉल में नहीं उठा सकते हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, आप एग्जाम हॉल में मनपसंद सीट अलॉटमेंट करवा सकते हैं, मनपसंद लेखक ले जा सकते हैं, एक्स्ट्रा टाइम ले सकते हैं और इसके साथ साथ किस टाइप के विकलांग को एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, वो सारी चीज हम आपको लाइव प्रूफ के साथ बिहार सरकार के जो ऑफिशियल नोटिस साइट से डाउनलोड करके एक एक चीज बारीकी से समझाएंगे और पूरी कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे। उम्मीद करेंगे इस वीडियो के बाद कोई भी डाउट आपका ना रहे, कोई भी कमेंट आप ना कर पाए, क्योंकि आपका हर सॉल्यूशन, हर डाउट को हमने इस वीडियोस में कवर किया है। तो उम्मीद करेंगे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, उसे भी इस तरह के फायदे के बारे में जानकारी मिल सके और इस तरह के नॉलेजफुल जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस चैनल पे आपको सटीक जानकारी और कंप्लीट प्रोसेस के साथ हर तरह की गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब और सरकारी योजना रिलेटेड जानकारी आपको मिलती रहती। तो चलिए समय न गंवाते वीडियो शुरू करते हैं और एक एक चीज विस्तार से आपको समझाते हैं कि विकलांग व्यक्ति को, दिव्यांग व्यक्ति को एग्जाम हॉल में मिलने वाली सुविधा के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय गाइज, मैं हूं जीशान आरिफ और आप देख रहे हैं अपने इस YouTube चैनल जीशान मॉनिटर। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस घंटी के आइकन को दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें हमारी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। उसके लिए आपको गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आने के बाद आपको लिखना है सिंपली सा बिहार सरकार, गवर्नमेंट ऑफ बिहार। जैसे आप बिहार सरकार लिखेंगे, आपके सामने गवर्नमेंट ऑफ बिहार की पहली वेबसाइट आ जाएगी। सिंपली इस पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे। नोटिफिकेशन से पढ़कर आपको एक एक चीज बारीकी से समझाने वाले। जैसे आप इस बिहार सरकार के ऑफिशियल वेबसाइट पाएंगे, स्क्रॉल करेंगे, नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद बिहार सरकार के जितने भी डिपार्टमेंट है, सभी डिपार्टमेंट के नाम और उनके ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक मिल जाएंगे। जो भी डिपार्टमेंट आपको खोलना है उस पर क्लिक कीजिए, उस वेबसाइट, उस डिपार्टमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ बिहार सरकार के सारे डिपार्टमेंट है। सिंपली हमें जाना सामान्य प्रशासन विभाग, यहाँ पे चार नंबर देख सकते हैं, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। सिंपली से इस पे क्लिक करना है। जैसे भी इस पे क्लिक करेंगे, सामान्य प्रशासन विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको एक सर्च बॉक्स मिलेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ऊपर में एक सर्च बॉक्स मिलेगा, सिंपली से सर्च बॉक्स में आपको एक विज्ञापन संख्या डालना है, 10668, ये आपको एक विज्ञापन संख्या है। विज्ञापन संख्या से प्लीज उसको एंटर करके सर्च करेंगे तो आपके सामने पहली वेबसाइट कुछ इस तरह का आ जाएगी। यहाँ भी देख सकते हैं, पहले है वॉल्यूम 1 चैप्टर 1, सिंपली ये वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरह का पूरी लिस्ट आ जाएगी, विशेष सूची आ जाएगी। यहाँ पे दूसरे नंबर पे आपको देख सकते हैं, 29/6/2022 को एक जारी किया गया है, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत, मतलब बिहार सरकार, भारत सरकार के द्वारा जो भी अधिकार हैं वो एग्जाम हॉल में मिलते हैं, शत्रु लेखक या अन्य सुविधा के संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन को पढ़ के हम आपको समझाएंगे। सिंपली से यहाँ पे आगे आपको एक व्यू बटन है, सिंपली से इस व्यू बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे व्यू बटन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक पीडीएफ जो नोटिफिकेशन बिहार सरकार के द्वारा जारी किए गए, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये आपको बिहार सरकार और केंद्र सरकार के सभी वैकेंसी में अप्लाई एग्जाम सेंटर पे आप इसको सुविधा उठा सकते हैं। जैसे कि यहाँ बिहार सरकार ने इस लेटर को सभी विभाग के अपर मुख्य सचिव, सभी विभागीय अध्यक्ष, प्रमंडल आयुक्त को, जिला पदाधिकारी की बीपीएससी को, कर्मचारी चयन आयोग को, केंद्रीय चयन परिषद को, यानी कि जितने भी डिपार्टमेंट बिहार में जो एग्जाम लेके जॉब देते, नौकरी प्रोवाइड करते हैं, वो सभी को यहाँ पे ये
नोटिफिकेशन भेजा गया है जो 2022 का है, ठीक है। और नीचे आएंगे यहाँ पे बहुत से बड़ा लंबा पीडीएफ है, मैं आपको मेन मेन टॉपिक जो जो आपके लिए जरूरी होने वाला है वो हम आपको समझाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, किसके लिए शत्रु लेखक यानी कि लेखक जो होते हैं उनके साथ बैठ के उनकी कॉपी को ओएमआर को घेरने वाले या कॉपी लिखने वाले जो शत्रु लेखक होते हैं, तो उनको किन कौन किन स्टूडेंट को मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए नेत्रहीन विद्यार्थी या दृष्टिवादी जो देखने में जिसको प्रॉब्लम है उन विद्यार्थी को जो है परीक्षा में एक लेखक प्रोवाइड करने की व्यवस्था है, ठीक है। और उसके साथ साथ जो अस्थाई रूप से हाथ है, किसी का हाथ कट गया पूरा या हाथ उसको है ही नहीं, तो उस तरह की बीमारी या किसी बीमारी से ग्रसित होने के बाद उनके हाथ चले जाते हैं या एक्सीडेंट में उनके हाथ कट जाते हैं, जिसके पास हाथ नहीं है उन स्टूडेंट को और जो उसको देखने में प्रॉब्लम है वो दोनों स्टूडेंट से दो ही कैटेगरी की डिसेबिलिटी विकलांग को यहाँ पे लेखक की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं आपको अपनी भाषा में आपको समझा दिया कि सिर्फ दो ही तरह के विकलांग को लेखक की प्रोवाइड, या आप एक्सीडेंट हो गए आप लिखने की स्थिति में नहीं है, अगर आप विकलांग नहीं है लिखने की स्थिति में नहीं है, विकलांग नहीं है लेकिन एक्सीडेंट की वजह से लिखने की स्थिति में नहीं है फिर भी आप इसका फायदा उठा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको डीओ से परमिशन लेना होगा। लेकिन यहाँ पे जो आंख से दिक्कत है, जिसको हाथ है नहीं है, जिसको विकलांग सर्टिफिकेट बना हुआ है, तो उनके लिए तो यहाँ पे विभाग का एक लेटर है। लेकिन अगर आप सही थे, आपका एक्सीडेंट की वजह से अभी एग्जाम के समय आप एग्जाम लिखने के लायक नहीं है, तो इस स्थिति में आप अपने डीओ से मिलकर इसकी परमिशन लेके एक लेखक को आप भी बैठा सकते हैं। चलिए दूसरे ऑप्शन के चलते हैं और एक एक चीज हम आपको बताएंगे जो आपको पता नहीं होगा। यहाँ पे देखिए अगर कोई भी लेखक आपके साथ बैठता है उस लेखक को प्रति घंटा यानी कि प्रति एग्जाम 100 रुपए प्रोवाइड किए जाएंगे, और ये 100 रुपए किसके द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे, परीक्षा आयोजित करने वाले संस्था। अगर बीपीएससी एग्जाम आयोजित कर रहे हैं तो बीपीएससी प्रोवाइड करेगी, अगर बीएसएससी एग्जाम आयोजित कर रहे थे बीएसएससी, जो भी एग्जाम आयोजित करे वो संस्था लेखक को 100 रुपए प्रति एग्जाम के दर से प्रोवाइड करेगी। कि दो क्वेश्चन आपका जो है यहाँ पे मैंने आपका बन गया। चलिए नीचे आएंगे और आपको बहुत बारीकी से अभी हम बहुत चीज आपको समझाने वाले। सबसे पहले यहाँ पे लेखक जो है, लेखक कौन किसका बन सकता है, सबसे पहली बात यहाँ लेखक कौन किसका बन सकता है। मान लीजिए ये आप इंटर का एग्जाम दे रहे हैं तो आपका जो लेखक है, आप इंटर के एग्जाम दे रहे हैं तो आपका जो लेखक है आपका इंटर से एक स्तर कम यानी कि मैट्रिक का होना चाहिए। मान लीजिए अगर आप किसी भी ग्रेजुएशन का एग्जाम दे रहे हैं तो ग्रेजुएशन का एक स्तर नीचे का लेखक होना चाहिए यानी कि इंटर का होना चाहिए, ठीक है। अगर आप इंटर का एग्जाम दे रहे हैं तो आप अपने लेखक ग्रेजुएशन वाले लेखक को यानी कि एक स्तर ऊपर के लेखक को नहीं ले सकते, अपने एग्जाम से अपने क्वालिफिकेशन से एक एग्जाम नीचे का लेखक को आप ले सकते हैं। यहाँ पे लेखक किसको ले सकते हैं वो भी आप हो सर्टिफाइड हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे कहा गया है जो दृष्टिहीन है या जो जिसके पास हाथ नहीं उसको एग्जाम में कितने एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। यहाँ पे बताया गया जिसके पास आंख नहीं है, आंख में प्रॉब्लम है, देखने में प्रॉब्लम है, जिसको हाथ नहीं लिखने में प्रॉब्लम है, वैसे अभ्यर्थी को प्रति घंटा 15 मिनट की यानी कि एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा और अधिकतम ज्यादा से ज्यादा 45 मिनट का समय मिल सकता है। एक एग्जाम में कम से कम 15 मिनट का आपको समय मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा 45 मिनट का समय मिलेगा अगर आपको देखने में प्रॉब्लम या हाथ से लिखने में प्रॉब्लम है। और सारे विकलांग है जिसको इन एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा हम आपको आगे बताने वाले हैं, किसी इसी को विकलांग को एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा और सारे विकलांग को एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा हम आपको आगे बताने वाले हैं, ठीक है। चलिए नीचे आएंगे। अब यहाँ पे बहुत सारे जानकारी है जो मैं आपको पढ़ के एक एक तरह से समझा देता हूँ जिससे आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। मैं आपको समझा देता हूँ, आपको पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है लेकिन इसलिए मैं समझा देता हूँ, एक बार मैं इसे रीड कर चुका हूँ और मैं आपको अच्छे से समझा सकता हूँ। सबसे पहली बात यहाँ पे बताया गया है 2 नंबर में कि लेखक जो है, जो भी जहाँ भी आपका एग्जाम सेंटर पड़ा है उस सेंटर के जो केंद्र अधीक्षक होंगे वो आपको लेखक प्रोवाइड करेंगे, लेखक प्रोवाइड करेंगे और साथ साथ लेखक प्रोवाइड करने के साथ साथ जो भी वो लेखक प्रोवाइड कर रहे हैं उसको अभ्यर्थी से 2 दिन पहले उनको मिलाना होगा ताकि वो परख सके। यहाँ देख सकते हैं सुविधा अनुसार परीक्षा से 2 दिन पहले अभ्यर्थी परीक्षार्थियों को शत्रु लेखक से मिलने की अनुमति दे सकेंगे,
यानी कि जिसको आप बैठाने केंद्रीय अधीक्षक जो है जिसको भी आपके साथ लेखक के तौर पर बैठाने वाले हैं उसको स्टूडेंट से दो दिन पहले मिलाएंगे वो, ताकि वो आप दिव्यांग विद्यार्थी जो है उसके साथ आपस में बात कर सकते और देख सके कि जो हम लिख रहे हैं वो लिख पाता है या नहीं, उसकी जो दक्षता है उसकी परीक्षण कर सके, उसको चेक कर पाए। वो किसी को बैठा देंगे लेकिन अगर आप बोलेंगे लिखने के लिए वो लिख नहीं पाएगा, तो इस स्थिति में आपकी सुविधा अनुसार वो जो केंद्रीय अधीक्षक जो भी चुन के देंगे उससे आपको दो दिन पहले मिलाने का यहाँ पे अधिकार आपको दिया जाता है। ये आपको पता नहीं होगा लेकिन इस लेटर के बाद आप इसके बारे में जान गए हों। अगर आपको एग्जाम शुरू होने से दो दिन पहले ये सुविधा प्रोवाइड नहीं की जाती है तो आप खुद उस सेंटर पे जाकर केंद्र अधीक्षक से मिलेंगे, उसको बोलेंगे ऐसे ऐसी, अगर वो नहीं मानता तो ये नोटिफिकेशन ये पीडीएफ आपके पास रहेगा, आप दिखा दीजिए, वो जरूर मानेंगे क्योंकि ये ऑफिशियल नोटिस है, कोई फेक नहीं है। तो दो दिन पहले, उसके बाद यहाँ पे देखिए पहली चीज मैंने बताया कि अगर आप चाहे तो दो दिन पहले जो केंद्र मतलब प्रोवाइड किए जा रहे लेखक उससे आप मिल सकते हैं। अब यहाँ पे वही चीज कि शत्रु लेखक यानी कि जो लेखक होंगे उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पे बताया गया है जो आपके साथ बैठने वाले लेखक की तौर पे उनकी योग्यता है वो आपकी योग्यता से एक स्तर कम होनी चाहिए। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए आपकी योग्यता से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक स्तर कम होने चाहिए और कम से कम मैट्रिक पास होना चाहिए। मैट्रिक से नीचे वाले स्टूडेंट को नहीं ले सकते हैं, कम से कम मैट्रिक पास होना चाहिए, ऊपर जितना भी हो आप ले सकते हैं लेकिन अपनी योग्यता से एक स्तर कम। अगर आप ग्रेजुएशन का एग्जाम दे रहे तो इंटर वाले को ले सकते हैं, अगर आप इंटर का एग्जाम दे रहे तो मैट्रिक वाले को ले सकते हैं, लेकिन अगर आप मैट्रिक का एग्जाम दे रहे तो आप मैट्रिक से नीचे वाले स्टूडेंट को नहीं ले सकते, तो मैट्रिक में आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज कंफ्यूजन दूर हो गई, किसको मिलेगा और क्या क्वालिफिकेशन उसकी होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे सबसे मेन बात है जो आपको ना पता होगा लेकिन आपको पता होना बेहद जरूरी है, यहाँ पे जो आपके साथ लेखक होंगे उस लेखक वो मनपसंद लेखक भी छात्र मनपसंद लेखक भी लेके जा सकते। मनपसंद लेखक कैसे लेके जाते हैं, दिव्यांग अभ्यर्थी के स्वयं चुनने की स्थिति में, यानी कि स्वयं भी चुन सकते हैं, दिव्यांग व्यक्ति खुद से अपने लेखक को चुन सकते हैं। शर्त है कि उनकी योग्यता से एक स्तर नीचे होना चाहिए और उसका योग्यता प्रमाण पत्र आधार कार्ड एवं पैन कार्ड आदि वगैरह, पैन कार्ड देना होगा। ठीक है, साथ साथ केंद्रीय अधीक्षक आपको फॉर्म वगैरह भराएंगे, विपत्ति फॉर्म भराएंगे और शपथ पत्र वगैरह भराएंगे, तो उसको भर के जमा कर दीजिए, जिसके बाद आपको जो है केंद्रीय अधीक्षक आपके पसंदीदा जो भी आपके साथ होंगे उसको ले जाके आप बैठा सकते हैं। और ठीक है, तो इस संबंध में जो भी अनियमित स्थिति में दिव्यांग व्यक्ति के विरुद्ध मतलब अगर गलत होता है तो उस पर आपकी कार्रवाई की जाती है, अगर आप कुछ गलत करने की सोचेंगे तो। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आ गई कि आपको संस्था भी दे सकती है, संस्था का लेना चाहे तो ले सकते हैं, अगर संस्था का लेखक आप नहीं लेना चाहते तो अपना पसंदीदा लेखक भी ले सकते हैं। शर्त है कि आपकी योग्यता से एक स्तर योग्यता उसकी नीचे होने चाहिए, कोई गलत तरह से अगर लेंगे तो आपको यहाँ पे कार्रवाई की जाएगी आपके द्वारा। ठीक है, तो सही अगर आप तो ले सकते हैं। चलिए नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिए सबसे मेन बात, लेखक आप एक से अधिक भी लेखक ले जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए विभिन्न भाषाओं की परीक्षा के संदर्भ में दिव्यांग अभ्यर्थी को, यानी कि जो भी दिव्यांग है वो जैसे कि मान लीजिए कोई एग्जाम दे रहे हैं, इंटर का एग्जाम दे रहे हैं, उसमें आपका उर्दू भी है और इंग्लिश भी या संस्कृत, कोई एक से अधिक भाषा है, तो आप जिसको ले जा रहे उसको इंग्लिश होता है लिखने के लिए, वो इंग्लिश आपका लिख देगा लेकिन जब उर्दू का पेपर आएगा तो वो लिख नहीं पाएगा। तो इस स्थिति में आप उर्दू वाले भी लेके जा सकते हैं और इंग्लिश वाले भी, भाषा का अगर पेपर है भाषा के दिन आप दो लेखक को ले सकते हैं, एक कोई भी दो लेखक जो आपका लैंग्वेज हो उसके हिसाब से दो लेखक आप ले सकते हैं भाषा के हिसाब से। ठीक है, बीपीएससी के एग्जाम दे रहे हैं या कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो आप देख नहीं सकते, तो आप एक से अधिक भी लेखक ले जा सकते हैं यहाँ पे, लेकिन शर्त है कि आपका भाषा का एग्जाम होना चाहिए तभी आप एक से अधिक ले सकते। चलिए आगे चलते हैं, दिव्यांगजन को मिलने वाली उनको सुविधा के बारे में एग्जाम हॉल में, और नीचे आएंगे। यहाँ पे देखिए मैंने आपको आगे जो बताया था कि जो आँख से प्रॉब्लम जो लिखने में प्रॉब्लम उसी को एक्स्ट्रा टाइम मिलेंगे, यहाँ पे देखिए उसके अलावा जो विकलांग उनको भी एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं लेखक के माध्यम से परीक्षा दे, जो लेखक के माध्यम से परीक्षा दे रहे और जो बिना लेखक के माध्यम से परीक्षा, दोनों ही स्थिति में उन्हें प्रति घंटे की देरी से यानी कि 20 मिनट की अतिरिक्त क्षतिपूरक समय दिया जाएगा, यानी उसके अलावा जो विकलांग हो गए
प्रति घंटा 20 मिनट का आपको अतिरिक्त समय दिया जाएगा। यह अवधि अधिकतम 60 मिनट यानी कम से कम 20 मिनट तक दिया जाए, ज्यादा से ज्यादा 60 मिनट यानी एक घंटे दिया जाता है। यदि एक घंटे की परीक्षा, एक घंटे से कम परीक्षा की अवधि हो, यानी कि परीक्षा जो आपका एक घंटे से कम की ही है, तो उस स्थिति में आपका अनुपातित विधि से यानी कि कुछ आप कुछ समय दिया जाएगा उस स्थिति में, ठीक है। यानी कि आपका एग्जाम ही एक घंटा का है तो उसमें आपको जो है उसके हिसाब से कुछ आपको अतिरिक्त समय दिया जाएगा, लेकिन ये वाला समय नहीं दिया जाएगा। अगर एक घंटा ज्यादा का एग्जाम रहेगा तब आपको एक घंटे में हर घंटे में 20 मिनट मिलेगा, लेकिन आपका एग्जाम ही एक घंटे में है तो उसके हिसाब से केंद्रीय अधीक्षक द्वारा तय किया जाएगा, उसके हिसाब से आपको समय दिया जाएगा, जिसमें कम से कम 5 मिनट तो ही मिलेगा ही मिलेगा, कम 5 मिनट से कम नहीं मिलेगा, ज्यादा जो भी मिल सकता है वो मिल सकता है, लेकिन कम से कम 5 मिनट ही मिलेगा। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि जो आँख से देखने में है प्रॉब्लम उनको भी एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, जिसको लिखने में हाथ से प्रॉब्लम उनको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, उसके अलावा जो विकलांग व्यक्ति उन्हें भी एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। जो आँख से और हाथ से लिखने में प्रॉब्लम है उनको हर घंटे 15 मिनट मिलेंगे, उसके अलावा जो भी होंगे उसको हर घंटे 20 मिनट मिलेंगे। तो उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको कुछ एक और चीज आपको हम दिखाने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे लेखक का जो परिश्रमिक है यानी कि उसको आने जाने के लिए जो भाड़ा जो खर्च हुआ है उनको आपको उनको प्रति पाली के हिसाब से 500 रुपए का भुगतान किया जाएगा, जबकि दोनों पाली के हिसाब से 800 रुपए, दोनों पाली में अगर एग्जाम देते तो 800 रुपए उनको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। अगर एक में देते हैं तो 500 रुपए दिया जाएगा, लेकिन दोनों पाली में अलग अलग लेखक है तो इस स्थिति में दोनों को 500 रुपए प्रोवाइड किया जाएगा। ये परिसर्विक है यानी कि उनको किराया वगैरह के जो इधर उधर खर्च हुए उनको जो के लिए ये रुपया दिया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था मनपसंद सीट भी अलाउड करवा सकते हैं, वो नीचे में यहाँ पे दिया गया देख सकते हैं। दिव्यांग अभ्यर्थी को प्राथमिकता के आधार पर भू तल पर परीक्षा में बैठने की व्यवस्था की जाएगी। परीक्षा से पूर्व परस्पर देते समय अचूक रूप से समय को अंकित किया जाएगा ताकि क्षतिपूर्ण परीक्षा के समय कोई दुविधा की स्थिति उत्पन्न ना हो। यानी कि कोई भी विकलांग है वो चेयर पे टेबल पे नहीं बैठ सकता, वो मतलब पूरी तरह बहुत ज्यादा विकलांग है तो बैठ नहीं सकता, और उसको अगर बैठ सकता है तो उसको सुविधा नहीं होगी। तो इस स्थिति के हिसाब से वो अगर चाहे तो भू स्थल यानी कि जमीन पर भी बैठ के एग्जाम दे सकता है, उसकी सुविधा किया जाए, उसके लिए भी यहाँ पे सुविधा प्रोवाइड की जाएगी। अगर जरूरी नहीं कि आप जहाँ सेंटर पे वहाँ आप टेबल लगा हुआ कुर्सी लगा हुआ तो आप उस पर चढ़ नहीं सकते, आप उस पर कंफर्टेबल नहीं है तो आप उसको बैठ के ही एग्जाम देना, ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे भूतल यानी कि जमीन पर भी बैठ के एग्जाम दे सकते हैं, इसके लिए आपको सुविधा आपके जो संस्था होंगे जो भी केंद्रीय अधीक्षक होंगे वो आपको वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, ये भी आपका अधिकार हो गया। मोटा मोटी मैं आपको बता दूँ यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट अधिकार जो आपको पता नहीं था। पहला, जो आप भू स्थल पर भी बैठ सकते हैं अगर आप ऊपर बैठने के लिए नहीं है, और उसके बाद आपका अतिरिक्त समय किसको मिलेगा, कितना मिलेगा, ये आप कन्फ्यूजन दूर हो गए। क्योंकि बीपीएससी टीआरई का जो एग्जाम हुआ था इसमें बहुत सारे सेंटर में ऐसा इशू आया कि सभी मतलब कि बताया गया जो आंख से दिक्कत है, जिसको जिसको हाथ से दिक्कत है सिर्फ उसी को एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, लेकिन जैसा कि मैंने ये नोटिफिकेशन आपको दिखाया इसमें सभी के लिए कि एक घंटे में 20 मिनट और अधिकतम 60 मिनट तक एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। तो इस स्थिति में आपके लिए ये लेटर काम आने वाला है, और लेटर डाउनलोड करके आप उसको उसी समय दिखा सकते, किस तरह डाउनलोड कर सकते वो भी हम आपको बता दिया। पहला कि अपना खुद का मनपसंद लेखक ले जा सकते हैं, अगर डिपार्टमेंट यानी कि सेंटर के द्वारा आपका जो लेखक प्रोवाइड किया जाता है उससे दो दिन पहले आप मिल सकते हैं। अगर नहीं मिला रहा है दो दिन पहले मतलब आपका केंद्रीय अधीक्षक तो आप उससे दो दिन पहले संपर्क कीजिए, उसको दिखाइए लेटर, ठीक है। और यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिए, पहला अगर आप ये कह रहे हैं क्या कहते हैं मतलब लेखक बैठा रहे हैं तो इस अनुसूची वन आपके लिए शपथ पत्र है। अगर आप लेखक साथ में लेके जा रहे हैं या डिपार्टमेंट के द्वारा लेखक आपको प्रोवाइड किया जा रहा है तो ये फॉर्म आपको भरना है, जिसमें यहाँ पे दिव्यांग अभ्यर्थी का नाम डालना है, उसके पिता का नाम डालना है, उसके बाद यहाँ मोहल्ला उनका, उनका ग्राम पोस्ट थाना जिला, उसके बाद यहाँ पे दिव्यांग किस प्रकार के दिव्यांग है, उसके बाद यहाँ पे अपना डॉक्टर जो है डॉक्टर हस्ताक्षर करेंगे, यानी कि ये जो लेटर डॉक्टर बनाएंगे डॉक्टर आपको चेक करेंगे कि आप सही में स्वयं की मतलब खुद से लिखने के लायक नहीं है। यहाँ पे डॉक्टर चेक करेंगे आप स्वयं के तौर पे खुद से लिखने के लायक नहीं है, डॉक्टर आपको चेक करेंगे, यहाँ अपना हस्ताक्षर मोड़ करके देंगे। तो इस लेटर के आधार पर अपने साथ आप लेखक को प्रोवाइड कर सकते ले जा सकते। और साथ साथ नीचे आएंगे, अगर आप खुद का लेखक प्रोवाइड करना चाहते हैं खुद का चयनित लेखक तो यहाँ पे आपको दोनों फॉर्म, पहला खुद का अगर करना है दोनों फॉर्म आपको फिलअप करना, पहला ये भी और दूसरा ये भी, जिसमें अभ्यर्थी का नाम और उसके दिव्यांगता का प्रकार
कौन सा परीक्षा दे रहे हैं, उसका रोल नंबर क्या है, वो परीक्षा किसके अंतर्गत आता है, उसके बाद यहाँ पे आपका जिला का नाम क्या है और अपनी योग्यता क्या है, स्टूडेंट की अपनी योग्यता क्या है, और यहाँ पे जो बैठने वाला उसकी लेखक जो उसकी उसका नाम होगा और जो बैठने वाला उसकी योग्यता क्या होगा, ये सारी चीज आप यहाँ पे दिव्यांग अभ्यर्थी साइन करेंगे। ये दोनों फॉर्म को आपको बना के लेके जाना है एग्जाम सेंटर पे और अपने मनपसंद लेखक को आप इस मेथड से, इस दो फॉर्म के मेथड से आप अपने सेंटर पे ले जा सकते हैं। ये आपको मैंने बताया कि मनपसंद लेखक के लिए आप ये दो फॉर्म को कंप्लीट कीजिएगा, प्रोसेस मैंने बताया, ये दोनों फॉर्म लेके जाइएगा और अपने लेखक को लेके जाइएगा। अतिरिक्त समय के बारे में मैंने आपको बता दिया, किराए के बारे में मैंने बताया, कितना रुपये मिलता है लेखक को वो मैंने बताया, वो स्तर में बैठ सकते वो मैंने आपको बताया, और यहाँ पे मतलब केंद्र के द्वारा जो मिलती है लेखक उससे कितने दिन पहले आपको मिलाना जरूरी है जिससे आप उसको परख सकते वो भी मैंने आपको बताया, और साथ साथ मैंने आपको बताया कि आपका जो बैठने वाला है उससे उसकी योग्यता आपकी योग्यता से एक स्तर नीचे होने चाहिए और एक से अधिक आप लेखक भी ले जा सकते हैं। इन तरह की सारी जो विकलांग को मिलती है, दिव्यांग जन को मिलती है, उनको किसी भी एग्जाम हॉल में सुविधा वो आप इस तरह देख पाएंगे। तो मैंने आपको उम्मीद करता हूँ मैंने आपको पूरी चीज़ बताने की कोशिश किया हूँ, अगर फिर भी कुछ कन्फ्यूजन या कुछ डॉट या कुछ छूट गया हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा ताकि हम उसका भी सोल्यूशन आपको विथ प्रूफ के साथ हम यहाँ पे आपको इस चैनल के माध्यम से दे सकते हैं। तो उम्मीद करेंगे वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर सब्सक्राइब क्लिक कर लीजिएगा, और इस तरह की बहुत सारी जानकारी हमारे इस चैनल पर आती रहती है। फिर मिलते हैं ऐसे नॉलेजफुल जानकारी के साथ।